जीएस न्यूज, सच्ची खबर आप तक। रेलगाड़ी के चपेट में आने से वृद्धा, उसकी पुत्री और नाती की गई जान। खरीक रेलवे स्टेशन के पास हुआ दर्दनाक हादसा। नौगछिया के खरीक रेलवे स्टेशन के पहले एक रेल हादसे में दो महिला व एक बच्चे की जान चली गई। महिला बच्चा का इलाज कराने स्टेशन जा रही थी। गांव से ट्रैक के रास्ते ही पैदल जाने के दौरान ट्रेन के चपेट में आकर तीनों की जान चली गई। तीनों एक ही परिवार के हैं। माँ, बेटी और नाती की मौत इस हादसे में हुई है। कटिहार बरौनी रेलखंड के बीच खरीक रेलवे स्टेशन के पास मददपुर गांव निवासी बूचो सिंह की पत्नी रेखा देवी 50 वर्षीय, पूर्णिया जिले के रुपौली थाना क्षेत्र के रहने वाले साजन सिंह की पत्नी धर्मशीला देवी अपने मासूम बच्चे राजवीर के साथ हादसे का शिकार हो गई हैं। बताया जा रहा है कि तीनों खरीक स्टेशन से ट्रेन पकड़कर खगड़िया जाने के लिए घर से निकले थे। स्टेशन तक पहुंचने के लिए वे रेलवे ट्रैक के रास्ते ही निकल पड़े। अचानक खरीक स्टेशन के पहले तीनों एक ही ट्रेन की चपेट में आ गए। दोनों महिलाएं एक बच्चे के साथ सुबह 4 बजे ही घर से निकली थी और इस बात से अनजान रह गई कि एक ट्रेन तेज रफ्तार से उसी ट्रैक पर आ रही है। ट्रेन से रौंदे जाने पर तीनों की मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही नौगछिया से पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शवों को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेजा। घटना की जानकारी मिलते ही मृतकों के परिजन में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया गया कि घटना शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे की हुई है। मृतका धर्मशीला देवी के पति साजन सिंह ने कहा कि वे 2 दिन पहले ही अपने पत्नी को लेकर ससुराल आए थे। उसकी पत्नी के पेट में पथरी की शिकायत थी। डॉक्टर को दिखाने खगड़िया जाना था। सास के साथ उनकी पत्नी भी निकली, साथ में बेटा राजवीर को भी ले गया, लेकिन इसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। दोपहर बाद तक रेल पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया, जबकि मामले की प्राथमिकी नौगछिया रेल थाने में दर्ज कर ली गई है। इस दर्दनाक हादसे के बाद परिजन गहरे सदमे में है। ये 4 बजे सुबह घर से निकला सर, ये रेखा देवी और उसका घोगली क्या नाम है भुला जाते हैं सर, और उसका बच्चा, तीनों माँ बेटी और बच्चा तीनों लेके जा रहा था खरीक स्टेशन खगड़िया के लिए, गाड़ी पकड़ता सर। इस बीच खड़ी पहुँचवो नहीं किया, बीच रास्ते में सर इसको घटना हो गई। अब कैसे घटना हुआ ये हम लोग सर नहीं बता सकते। कैसे एक्सीडेंट हो गई, कौन ट्रेन से कटा या बस गाड़ी? नहीं, ट्रेन से कटा है सर। अच्छा, कौन ट्रेन से? अब कौन ट्रेन है हम लोग तो देखे नहीं है सर कि कौन ट्रेन से कटा है, नहीं कटा है। कितने बजे क्या घटना? ये घटना हुआ है सर 4:30-5 बजे करीब हुआ सर, हम लोग को 10 बजे ही पता चला है सर। अच्छा, तभी हम लोग यहाँ हॉस्पिटल पहुँचे हैं। कहाँ की रहने वाली है? ये मददपुर की है सर। अच्छा, जमनिया पंचायत नौगछिया थाना जिला भागलपुर का। और बेटी कहाँ की थी? बेटी रुपौली थाना गोपालपाड़ा पड़ता है सर, वहाँ इसका ससुराल था सर। कब आई थी यहाँ? ये लगभग 5-7 दिन से पहले आया था यहाँ। पहले दवा खा के गया था, फिर आया था दोबारा दवा दिखाने गई थी। बच्चिया और दोनों माँ बेटी को क्या हुआ था? अब अंदरूनी कोई बीमारी था सर, हम लोग तो नहीं बता सकते। कहाँ दिखाना था? खगड़िया, कोई डॉक्टर था खगड़िया। आपका नाम? विनोद सिंह। घर? मददपुर। क्या है सर? आप? हमारा चचेरी पुतौह हुआ था। जाली नोट का कारोबार करने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को कटिहार जिले के मनिहारी पूर्वी टोला से किया गिरफ्तार। नवगछिया पुलिस ने जाली नोट का कारोबार करने के मामले में कटिहार जिले के मनिहारी पूर्वी टोला निवासी शेख एनातुल को गिरफ्तार कर लिया है। मालूम हो कि मनिहारी पूरी टोला निवासी जाली नोट कारोबारी मोहम्मद जाहिद का अपहरण हो जाने के बाद हरकत में आई पुलिस ने मोहम्मद जाहिद को सफलतापूर्वक बरामद किया और अपहरण करने वाले नया टोला के सुबोध कुमार और मोनू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में पता चला कि जाहिद नकली नोट बनाने और उसे बेचने का कारोबार करता है, जिसके बाद पुलिस ने जाहिद के सिंडिकेट के सदस्यों एकचारी के बड़ी चकैया निवासी विजय पासवान, उजानी निवासी चाय दुकानदार मोहम्मद बबलू को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की एक टीम ने मनिहारी पहुंचकर वहां छापेमारी की, जहां से शेख एंतुल को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इलाज कराने मायके आई थी धर्मशीला, लेकिन परिवार वालों को दे गई जिंदगी भर का मर्ज। ट्रेन की चपेट में आने से मारी गई धर्मशीला देवी के पति रुपौली थाना क्षेत्र के ग्वालपाड़ा निवासी साजन कुमार का रो रो कर बुरा हाल है।
उसने बताया कि धर्मशिला के पेट में पथरी हो गया था, इसी कारण वह इलाज कराने मायके मददपुर गई थी। एक बार वह खगड़िया में चिकित्सक को दिखाकर आ गई थी, 3 दिन बाद उसे फिर बुलाया गया था। वहीं जा रही थी, साजन ने बताया कि उसके 2 बच्चे थे, नाबोध बालक राजवीर भी मारा गया और 4 साल की रश्मि कुमारी घर पर है। साजन ने कहा कि धर्मशिला से उसका गहरा स्नेह था, वह काम में व्यस्त था, इसलिए मायके जाकर इलाज करवाने को कहा, लेकिन अगर जानता तो उसे मायके कभी नहीं भेजता। साजन अपने नाबोध पुत्र को याद कर फूट फूट कर रो रहा था। साजन ने कहा कि उसकी हस्ती खेलती दुनिया उजड़ गई। इधर मददपुर गांव के लोगों ने बताया कि धर्मशिला की माँ अपनी पुत्री से बेहद प्यार करती थी, इसी कारण उसकी हर समस्या का निदान के लिए खुद पहल करने को तैयार रहती थी। धर्मशिला की माँ के कहने पर ही साजन उसे मायके इलाज करने के लिए भेजने को तैयार हुए। वहीं मृतिका धर्मशिला के चाचा विनोद सिंह ने बताया कि तीनों सुबह 4 बजे खरीक रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गए। कहा जा रहा है कि पटरी होते हुए सभी स्टेशन पर जा रहे थे, किसी अज्ञात ट्रेन की चपेट में सभी आ गए। विनोद सिंह ने कहा कि उन लोगों को घटना की जानकारी सुबह 10 बजे मिली तो वे लोग अस्पताल पहुंचे और सभी मृतकों की पहचान की। इधर आजाद हिंद मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने मृतकों के परिजन को सरकारी नौकरी और समुचित मुआवजा देने की मांग की है। नवगछिया में हुआ भोले बाबा का गीत शिव शंभु का लोकार्पण। नवगछिया निवासी गायक देव धमाका के द्वारा इस गीत को गाया गया है। म्यूजिक उमेश कुमार, वीडियो डायरेक्टर रोमियो महतो हैं, जबकि मुख्य कलाकार एक्टर की भूमिका में मिथुन महुआ मधेसिया, मीनाक्षी कुमारी लड्डू सम्राट है। लोकार्पण के मौके पर उपस्थित रहे डांस डायरेक्टर धर्मेंद्र कुमार, एक्टर पप्पू राय, रजनी गुप्ता, संतोष, संजीव, कृष्णा कुमार, विजय आनंद, संजय दिरवारी मौजूद रहे। बताते चले कि नवगछिया के ही एक बालक द्वारा अभिनय किया गया है। एल्बम का नाम शिव शंभु का सिंगार नाम से यूट्यूब पर उपलब्ध है। जिनके रोम रोम में शिव है, जिनके रोम रोम में शिव है, विश्व वही पिया करते हैं। अरे जमाना उनका क्या बिगाड़ेगा, जो सिंगार भी अंगार से किया करते हैं। हर हर महादेव, ना जीने की खुशी ना मौत का गम, हम है महादेव के भक्त और ये रहेंगे हर दम। हमारा ये प्रयास है कि हमारा देव धमाका म्यूजिक, ये नया पहला एल्बम है, आप लोग आशीर्वाद दीजिए। हमारा ये लड्डू सम्राट पहली बार उस एल्बम में ये अपना शंकर के अवतार में, शिव शंभू के अवतार में ये अभिनय किए हैं। और ये मैं कहना चाहूंगा कि शिव शंभू का श्रृंगार बड़ी प्यारा लगे, भोले बाबा का दरबार बड़ी प्यारा लगे। आप लोग भरपूर आशीर्वाद दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। करते हैं हर हर महादेव। मेरा बेटा जो है एक नया हमारा गीत निकला है, उसमें ये बहुत अच्छा रोल किया है, आप लोग उसको जरूर देखें। शिव शंभू का अवतार, बड़ी प्यारा लगे, बड़ी प्यारा लगे। आप लोग इसको बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। हर हर महादेव। गायक मिथुन महुआ और बड़े भैया हमारे देव धमाका जी हैं, और सच में मैं कहिए तो मैं इन्हीं से सीखा हूँ संगीत जी। और ये बिजनेस को देखते हुए हमको आगे बढ़ाए हैं, और अब मगर इनको भी दिल में उमंग आया गाने के लिए, तो इनके गीत को आप लोग सुनिए देव धमाका के नाम से। मेरे भी मिथुन महुआ जैसे चैनल पर भी आप लोग देखने को मिलेगा, और कुछ सुझाव कमेंट के रूप में देना चाहिए, क्योंकि नए नए कलाकार जो आते हैं मार्केट। भाकपा माले ने मनाई कॉमरेड चारू मजुमदार की 50वीं शहादत दिवस। भाकपा माले ने संस्थापक महासचिव कॉमरेड चारू मजुमदार की 50वीं शहादत दिवस पर गंगानगर पुस्तकालय भवन में संकल्प सभा का आयोजन किया। इस अवसर पर पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने शहीद कॉमरेड चारू मजुमदार की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें वाम जनवादी आंदोलन के तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सभा में भाकपा माले के जिला सचिव वंदेश्वरी मंडल, प्रखंड सचिव रामदेव सिंह, इनोस के राज्य सह सचिव गौरी शंकर राय, ब्रांच सचिव राजेंद्र पंडित, वकील मंडल राधेश्याम रजक, रविंद्र मिश्र कांग्रेसी, जयप्रकाश शर्मा, प्रमोद मंडल, अनिल यादव सहित सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल थे। भागलपुर डीएम के निर्देश पर बीओ व साधन सेवी ने किया मध्य विद्यालय डुमरिया की जांच, मिली बड़े पैमाने पर अनियमितता। लगातार 2 दिनों से समाचार पत्र व जीएस न्यूज के द्वारा भी मध्य विद्यालय डुमरिया की खबर पर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने संज्ञान लिया है। डीएम के निर्देश पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विजय कुमार झा, साधन सेवी रंजीत कुमार मालाकार व बीआरपी भवेश कुमार के द्वारा मध्य विद्यालय डुमरिया के विभिन्न अभिलेखों की जांच की गई तथा ग्रामीणों व शिक्षकों से जानकारी ली गई। बीओ विजय कुमार झा ने प्रेस प्रतिनिधि को बताया कि विद्यालय की व्यवस्था
पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। पूरे परिसर में गंदगी पसरी हुई थी, पठन पाठन की स्थिति ठीक नहीं थी, छात्र छात्राओं पर शिक्षकों का नियंत्रण भी नहीं देखा गया। खरीक में भाजपा सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं की बैठक। खरीक प्रखंड के माड़वाड़ी धर्मशाला में गुरुवार को भाजपा सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं की बैठक आहूत की गई। बैठक में बिहार प्रवास के लिए आए बिहपुर विधानसभा में द्विदिवसीय प्रवास के दौरान राजस्थान के भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भराना, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य भुवन भूषण कमल, विधानसभा प्रभारी सुजीत राणा और विधायक इंजीनियर कुमार सैलन ने कार्यक्रम को संयुक्त रूप से संबोधित किया। राजस्थान ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश ने कहा कि अपने दो दिवसीय बीपुर विधानसभा क्षेत्र प्रवास के दौरान मैंने पाया कि यहां के विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र बहुत ही कर्मठ और जुझारू हैं, क्षेत्र की जनता इन्हें काफी पसंद करते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के टिप्स बताए और कहा कि हम लोग सोशल मीडिया का उपयोग सूचना संप्रेषण के लिए एक सशक्त और उपयोगी जनसंचार माध्यम के रूप में करें। उप मुखिया ने विधायक को खरीक बाजार की जन समस्याओं से निजात के लिए सौंपा ज्ञापन। खरीक के तेलगी में बिहपुर विधानसभा के विधायक इंजीनियर कुमार सैलन की मौजूदगी में निर्वाचित जनप्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में खरीक बाजार के उप मुखिया सह युवा राजद के जिला प्रवक्ता मोहम्मद आजाद अंसारी ने विधायक इंजीनियर कुमार सैलन को खरीक बाजार की जन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में खरीक बाजार को जल जमाव से निजात दिलाने, पंडित दीनदयाल चौक से मध्य विद्यालय खरीक बाजार तक पक्कीकरण करने, जल निकासी का प्रबंध करने, जल को समाधान करने के लिए पीएससी सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने और खरीक बाजार में स्ट्रीट लाइट लगवाने की मांग की गई है। नारायणपुर शराब तस्कर गिरफ्तार। नारायणपुर प्रखंड के नारायणपुर निवासी इमरान अली को भवानीपुर पुलिस के एसआई संजय कुमार मंडल ने गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार की रात्रि सोए अवस्था में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष रमेश कुमार शाह ने बताया कि 6 महीना पहले नारायणपुर गांव से एक झोपड़ी से शराब बरामद हुआ था, उसी में वह फरार चल रहा था। शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भागलपुर जेल भेज दिया गया।